जी न्यूज के पूर्व संपादक सुधीर चौधरी पिछले काफी वक्त से चर्चा में हैं। उन्होंने जी न्यूज से इस्तीफा देकर इंडिया टुडे ग्रुप की हिंदी चैनल आज तक ज्वाइन की। इस चैनल पर एक नया शो ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हुआ है जिसे सुधीर चौधरी होस्ट करेंगे। इस शो के पहले दिन उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन को कोट करते हुए ये कहा। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है। आज अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी यही किया है, एक ट्वीट करके भ्रम फैला दिया, सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब ये स्थिति हो गई कि सरकार पूरे दिन सफाई देती रही। कुछ दिन पहले आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी ऐसा कहा था, सच जब तक जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है, मार्क ट्वेन ने कहा था। इस बारे में आप भी सोचिएगा जरूर। ये कोट मार्क ट्वेन का बताते हुए पहले भी काफी शेयर हुआ है। बिहार कांग्रेस, दैनिक भास्कर के पत्रकार अर्पित शर्मा, एनडीटीवी से जुड़े पत्रकार उमा शंकर सिंह ने भी ये कोट ट्वीट किया है। इसे विंस्टन चर्चिल का बताते हुए भी शेयर किया गया है। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जब इस बारे में तफ्तीश की तो पाया कि ये कोट पिछले कई सालों से अलग अलग व्यक्तियों का बताकर शेयर किया जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में रिसर्चर गार्सन ओटुले ने बताया कि आम तौर पर मार्क ट्वेन का बताते हुए जो कोट शेयर किया जाता है वो असल में सदियों पहले व्यंगकार जोनाथन स्विफ्ट की एक पंक्ति का अंश प्रतीत होता है। विक्टोरियन युग के उपदेशक ने इस कोट को एक नया रूप देकर शेयर किया और बाद में ये कोट लोकप्रिय हो गया, लेकिन समय समय पर इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। कोट इन्वेस्टिगेटर नाम की एक वेबसाइट प्रसिद्ध कोट्स के बारे में रिसर्च पब्लिश करता है। बता दें कि गार्सन ओटुले ये वेबसाइट चलाते हैं। इस पर मार्क ट्वेन के कोट से जुड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट में गार्सन ने कई रेफरेंस का इस्तेमाल कर बताया है कि ये कहावत 300 से अधिक सालों से चल रही है। इसका क्रेडिट उचित रूप से साल 1710 में जोनाथन स्विफ्ट के एक कथन को दिया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि इस कोट के लिए मार्क ट्वेन या विंस्टन चर्चिल को क्रेडिट देने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। बीबीसी के टीवी शो QI में बताया गया है कि ये कोट मार्क ट्वेन, विंस्टन चर्चिल और थॉमस जेफरसन का नहीं है। IFCN के फैक्ट चेकिंग विंग पॉलिटी फैक्ट ने भी 2017 में इस कोट के बारे में फैक्ट चेक किया है, जिसमें बताया गया था कि ये कोट संभावित रूप से 1710 में जोनाथन स्विफ्ट के एक संस्करण से शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा, आज तक के दो एंकर सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी सहित कई लोगों ने अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन का बताकर ये कोट शेयर किया, लेकिन इस कोट के मार्क ट्वेन के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।